नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की मंडे की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, क्या हमारे मैजिकल लेवल्स थे, कौन से स्टॉक्स हमारे कैरी ओवर चले आ रहे थे और कौन से स्टॉक्स में आज कॉल जनरेट की थी, यानी क्या रिकमेंडेशन दी थी, कहां पर प्रॉफिट हुआ होगा, कहां पर लॉस हुआ होगा, सबका एक ओवरव्यू करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मंडे के लिए, यानी कि 4 तारीख की रणनीतियां क्या हो सकती है, क्या होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के मैजिकल लेवल्स, क्या होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन से स्टॉक्स में खरीद बेच की जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टॉक स्पेसिफिक की। आज तो आपका पक्का वाला हुआ होगा लाव माल, इनफैक्ट रोज ही हो रहा है पक्का वाला लाव माल। पिछले हफ्ते भी धमाकेदार रिटर्न निकले, करीब करीब 70-75 हज़ार रुपये का प्रॉफिट पिछले महीने हम लोगों ने जनरेट किया है, अगर डिडक्शन ना किए जाए टैक्सेस ब्रोकरेज वगैरह के, तो 87,000 के आसपास प्रॉफिट, और आज का भी प्रॉफिट धमाकेदार हुआ है। होल्डिंग पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज बाय करने कहा था SBI बैंक 491 के आसपास, आज का लो देखिएगा 491, लाओ माल, टारगेट लेके चल रहे थे 501 के, आज का हाई पोस्ट हुआ है 50975 का। कल किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं लॉन्ग टर्म डिलीवरी के हिसाब से कॉल्स कुछ स्टॉक्स लेना चाहता हूँ, उसमें मैंने उसे SBI बैंक लेने कहा था, 2% तो एक दिन में मिल गया होगा उसको, अपने को कितना मिला वो अपन बात करते हैं। 50820 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 2.04% के आसपास मुनाफा हुआ है SBI बैंक में, इसी बात पे बोलो जय श्री महाकाल, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरा स्टॉक लिया था HDFC बैंक, 1466 रुपए के आसपास बाय करना था, 1495 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज का हाई लगा है 1510 रुपए का, लो लगा है 1470 रुपए का, 4 रुपए की वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। लेकिन जिस किसी ने भी इंटेलिसिस की लेवल्स के हिसाब से कॉल ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे काम किया होगा तो उसका हुआ होगा लाव माल। कल किसी ने कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के लिए भी मुझे कमेंट किया था कि इसके ऊपर आधे घंटे का सेशन रखिए, हमें सिखाइए। अरे रोज सिखा रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो को अच्छे से देखिए, कल भी बताया, इनफैक्ट मैं पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू बता रहा हूँ, तेजी लगती है तो CE बाय करना है, मंदी लगती है तो PE बाय करना है, ज़्यादा रिस्क लेना है तो दूर का कॉल ऑप्शन लेना है, और ज़्यादा रिस्क लेना है तो एट द मनी यानी करंट मार्केट प्राइस के आसपास का CE PE लेना है, और अगर ज़्यादा कम रिस्क लेनी है तो दूर का लेना है, बस यही है कॉल ऑप्शन। इसमें क्या सिखाऊँ आप लोगों को, मैं भी आप लोग भी यही चाहते हैं कि मैं भी दूसरों की तरह इसका वेबिनार डेवलप करूं, या फिर कोर्स डेवलप करूं, या फिर इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको समझा के कुछ पैसा चार्ज करूं, नहीं, बदमाशी का पैसा नहीं चाहिए, जो सही है वो है, यही है कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी। थोड़े दिन पेपर ट्रेड करिए जिस हिसाब से बोल रहा हूं, और जब कॉन्फिडेंस आने लगी है, आने लगे तब करिए लाव माल। तीसरा स्टॉक लिया था सन फार्मा, 911 के आसपास बाय करना था, 896.90 रुपये का स्टॉप लॉस था, 944 के टारगेट थे, 919 का हाई पोस्ट हुआ है, 90410 का लो लगा है, और 90870 के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पर हमारा ये कॉल एक होल्ड पर गया है। तीसरा स्टॉक लिया था इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी हुआ होगा लाव माल, 929-930 के बीच में बाय करना था, 929.15 का लो पोस्ट किया है, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 970 के, 50 रुपये ऊपर के टारगेट दिए थे, आज का हाई पोस्ट हुआ है 970.95, टारगेट 973 के थे, 968.60 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है, और मैंने इसका प्रॉफिट बुक करा दिया था करीबन 957.15 के आसपास। यहां पर आप लोगों ने 3% के आसपास गेन किया होगा, SBI बैंक ने दिया 2%, इंडसइंड बैंक ने दिया 3%, तो टोटल एक दिन में वीडियो देखने के बाद, हार्डली 6 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद 5% कैपिटल पे रिटर्न, और क्या चाहिए आप लोगों को, यही रिटर्न पाने के लिए आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं साल भर का, तब ये मिलता है साल भर के बाद, आप लोगों को इंटेलिसिस की वीडियो देखकर एक दिन में मिल रहा है, चलिए मान लेते हैं नहीं मिल रहा है, मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था, अगर मिल सकता है लगता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अप्रिशिएट करिएगा, मोटिवेट करिएगा और आगे काम भी करिएगा। स्टॉक होल्डिंग पर हमारा सनफार्मा गया है। मंडे के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, अच्छा इंडसइंड बैंक में किस तरह से बाय की रणनीति बना सकते थे कॉल ऑप्शन में, 930 का मैंने बाय करने बोला था, तो 930 एट द मनी का CE ले सकते थे, बाय कॉल था तो CE लेना था, सेल कॉल होता तो PE लेना होता है, क्लियर, ज्यादा रिस्क लेनी है तो 930 के आसपास का
सीई बाय करते, कम रिस्क लेनी है तो 950-970 का सीई बाय करते, बाजार 10 रुपये बढ़ता तो थोड़ा कम बढ़ता लेकिन बढ़ता, कुछ जो मुनाफा होता। सपोज मान के चलते 930 का सीई ले लेते, 970 तक होल्ड करते, तो कॉल ऑप्शन में भी कम से कम 20 रुपये कैपिटलाइज करते थे आप। और क्या चाहिए, मेरे ख्याल से जितना कैपिटल लगाते थे उससे ज़्यादा एक दिन में रिटर्न आता था, 100% से ज़्यादा। तो इस तरह से कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। मंडे के लिए स्टॉक होंगे रिलायंस इंडस्ट्री, और मैंने थंबनेल की लाइन डाली है, क्या रिलायंस इंडस्ट्री उड़ेगा? बिल्कुल उड़ सकता है, और 2727 के पार भी लगता है। अभी हम क्लोज हुए हैं 2630-40 के आसपास, यहाँ से 100 रुपये की खरी खरी नोट दिखती है, 50 रुपये का करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन उस करेक्शन में डरना नहीं है। हालांकि अपना स्टॉप लॉस छोटा होगा। पहला स्टॉक होगा रिलायंस इंडस्ट्री, 2640-2648 के आसपास बाय करेंगे, 2630-490 का छोटा सा स्टॉप लॉस, डिलीवरी के हिसाब से ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो। 2525 तक के स्टॉप लॉस से हर गिरते मार्केट में हर 10-10 रुपये में कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, तो होल्ड करो। टारगेट 2727 के, मैं 2634.90 रुपये का अगर ट्रेड होता है तो एंट्री क्लोज कर दूंगा। दूसरा स्टॉक होगा हमारा ICICI बैंक, 723-725.20 रुपये के आसपास बाय करेंगे, 719.90 रुपये का छोटा सा स्टॉप लॉस, 746 के टारगेट। यही ICICI बैंक मैंने वुमेन्स डे के दिन वुमेन्स लोगों के लिए स्पेशली 650-652 के आसपास बाय करवाया था। आप लोगों ने किया है? नहीं किया है, वुमेन्स लोगों ने तो किया होगा और उनके हस्बैंड लोगों ने भी किया होगा। HDFC बैंक आज हमने 1461 में बाय करने कहा था आज के लिए, हालांकि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। यही कॉल मैंने 1330 के आसपास बाय कराई है वुमेन्स डे के दिन, दो कॉल दिए थे ICICI बैंक और HDFC बैंक, दोनों जगह हो रहा है लाव माल। ICICI बैंक बाय करेंगे और 746 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक होगा हमारा विप्रो, 598-600 के आसपास बाय करेंगे, 596-640 का छोटा सा स्टॉप लॉस, 607-50 के टारगेट। चौथा स्टॉक होगा हमारा मारुति, 7658-7685 की रेंज में बाय करेंगे, 754-490 का स्टॉप लॉस, 8100 के टारगेट। ये होंगे हमारे मंडे के लिए, यानी 4 तारीख के लिए 4 स्टॉक। आज तारीख है 1/4/2022, टाइम हो रहा है 4:47। मंडे की रणनीति आप लोगों के पास है, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीतियों को अपने चार्ट्स में वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको ज़्यादा किस में कन्विक्शन लग रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हम लोग सारा निचोड़ करने के बाद ही आप लोगों को कोई कॉल देते हैं, चाहे वो टेक्निकली हो चाहे फंडामेंटली हो।